Hi guys, welcome back to my channel. So actually after a long time मैं आज गाड़ी लेके निकला हूँ. So basically the thing is आज मेरा गाड़ी का एक छोटा सा वॉश करूँगा, मतलब बाहर से. और जो है इधर फास्टैग जो है मेरा पेटीएम वाला था, क्योंकि एक्चुअली लास्ट डेट था 28 February. सो अभी वो रिवाइज करके 15 March तक लास्ट डेट किया है पेटीएम फास्टैग का. मतलब अगर आप चाहोगे तो ऐड मनी लास्ट जो है 15 March तक कर पाओगे. तो मैं ये चीज़ रिस्क नहीं लिया, तो मैंने जो है ये ICICI बैंक का लिया हूँ फास्टैग. नियरली 500 rupees पड़ा, और उसमें जो है 200 rupees सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड आई गेस 200 rupees जो है यूजेबल बैलेंस है. और उसके ऊपर जो है अगर वो खर्चा हो जाएगा तो ऐड कर सकते हो. और ऐड जो है मिनिमम आई गेस 200 rupees से स्टार्ट है, अप टू 10,000 rupees. सो एक्चुअली पेटीएम का जो फास्टैग था, ये गाड़ी जब डिलीवरी लिया था उस टाइम पे ही वहाँ से ही दिया था, नहीं तो मैं पेटीएम का नहीं लेता. सो उसके लिए ही मैं पेटीएम अभी जो है पेटीएम HDFC से कनेक्ट करके पेटीएम ऐप से भी इसका ऑप्शन है, और फोन पे पे भी है ICICI बैंक का. बट मैंने जो है डायरेक्ट बैंक से लिया, क्योंकि अगर आवर कोई भी ऐप पे कोई दिक्कत आएगा तो फिर से चेंज करना पड़ेगा. तो इसके लिए डायरेक्ट मैं ICICI बैंक का ही लिया हूँ. अगर आप भी चाहो तो ICICI बैंक का ही लो. तो आज है 28 February, तो बाहर गर्मी बहुत है, और गाड़ी का जो है कंडीशन कुछ ऐसा देख लो. मतलब अभी जो है सनलाइट पे है, तो इसके लिए मतलब उतना दिख नहीं रहा है, नहीं तो गाड़ी है पूरा पूरी गंदा हो चुका है. तो बहुत दिन के बाद वॉश भी करना है गाड़ी को. सो फिर पहले जो है ये पेटीएम का फास्टैग मैं निकलता हूँ, उसके बाद ICICI का लगाऊंगा, देन वॉश करने के लिए जाऊंगा. और जो बात यही है, मेरा गाड़ी ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है और 2 महीने बाकी है. नियरली अभी जो गाड़ी का एज है यू कैन से कि 22 months चल रहा है. गाड़ी मैं लिया था अप्रैल का 15th ऐसे करके कुछ मैंने लिया था गाड़ी को 22 पे. सो ऑलमोस्ट जो है 2 साल होने वाला है. गाड़ी का वारंटी भी 2 साल में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि गाड़ी का एक्चुअली बिलिंग डेट मेरा जो था 31 March को था. क्योंकि सो एक्चुअली सनग्लास लगा लिया, क्योंकि मतलब बाहर जो है धूप बहुत ज़्यादा है. सो द थिंग इज़ कि 2 साल होने वाला है एक्सटेंडेड हुआ, मतलब जो वारंटी नॉर्मल वारंटी था टाटा जब मैंने गाड़ी लिया था उस टाइम पे 2 साल का देता था, अभी जो है अभी 3 साल का दे रहा है स्टैंडर्ड. उसके बाद 2 साल आप एक्सटेंडेड कर सकते हो. और मेरे गाड़ी का जो मतलब 2022 पे जो था 2 साल था, उसके ऊपर 3 साल का एक्सटेंडेड वारंटी आप ले सकते हो. अभी भी मैं ले सकता हूँ, मतलब 2 साल तक मैं ले सकता हूँ. ऑलमोस्ट 15,000 to 18,000 का कुछ कोटेशन दिया था, लेकिन अभी मैं यही मतलब जो है सोच रहा हूँ कि लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि गाड़ी का अभी जो है इंश्योरेंस भी करना है. ऑलमोस्ट 10,000+ इंश्योरेंस लगेगा ओनली फर्स्ट पार्टी, क्योंकि मेरा जो है एक बार एक्सीडेंट भी हुआ था, तो उसके लिए जो है NCB मैं नहीं उठा पाऊँगा. तो 0% NCB पे ऑलमोस्ट नियरली उसको 10,000-11,000 का इंश्योरेंस पड़ेगा. उसके ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी लूँ एक्चुअली उतना क्या कुछ वैल्यू अगर मिलेगा कि नहीं जो है एक्सटेंडेड वारंटी लेने का, वही मैं सोच रहा हूँ अभी एक्सटेंडेड. क्योंकि एक्सटेंडेड अगर वारंटी लूँगा तो टाटा का जो मतलब प्रोटोकॉल है, जितना टाइम पे जो किलोमीटर या जिस डेट पे जिस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, मतलब उन लोगों ने जो सर्विस बुक पे लिखा है, तो ऐसे करके ही मुझको करना पड़ेगा. तो उसमें भी खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि मेरा गाड़ी उतना चलता नहीं. अगर गाड़ी मेरा चलता था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता. थिंग अभी मैं यही सोच रहा हूँ अगर करूँ कि नहीं करूँ तो मैंने तो पहले सोचा था कि इंजन ऑयल भी मैं बाहर से चेंज कर लूँगा, लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नहीं, अभी जो है गाड़ी सिर्फ 2 साल हो रहा है तो सर्विस सेंटर पर जाके करवाने के लिए. तो मैं सर्विस सेंटर पर जाऊँगा और इंजन ऑयल और जो चीज़ बोलेगा, अगर वो चीज़ मुझको मतलब ठीक लगे तो वो चीज़ मैं चेंज करूँगा. क्योंकि मुझको तो ऑलमोस्ट कोटेशन दिया 7,000 का, लेकिन मुझको तो नहीं लगता है 7,000 का कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा. तो लेट्स सी वो क्या होता है. तो अभी जो है अभी तो गाड़ी मैं एक बार सिर्फ वॉश करूँगा, और गाड़ी वॉश करने के बाद बस यही, और
एक बार दो साल होने के बाद, दो अढ़ाई दो ढाई साल होने के बाद एक चीज से एक बार रिव्यू दूंगा। अभी फिलहाल के लिए गाड़ी के गाड़ी में मेरा गाड़ी पे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक ही सिर्फ प्रॉब्लम जो होता है, मतलब दिन का फास्ट स्टार्ट अब कह लो, अगर मैं फास्ट स्टार्ट लूँगा जब तक जो है उधर एक हीटिंग का जो इंडिकेटर आता है, हीटिंग का इंडिकेटर अगर एटलीस्ट दो या तीन तक नहीं आएगा तो गाड़ी में उतना पावर नहीं आता है, गाड़ी लैग करता है। एंड प्लस जब मैं मतलब फर्स्ट गियर से सेकंड गियर शिफ्ट करता हूँ तो गाड़ी एक झटका टाइप देता है। दिस इज द थिंग। मैं ये टाटा में बोला था लेकिन टाटा वालों ने यही बोला ये थ्री सिलेंडर इंजन है तो इसके लिए इतना ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन मेरा तो इससे पहले भी वागनर था, वागनर में इतना ये सब प्रॉब्लम मैं फेस नहीं किया था। बट चलो, बहुत जो ग्रुप है टाटा पंच या टाटा अल्ट्रोस जो थ्री सिलेंडर इंजन पे बेस्ड है, मतलब नेचुरल एस्पिरेटेड, तो उन लोगों ने स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद ये इश्यू जो है कम हुआ है उस गाड़ी पे। तो मैं भी एक सोच रहा हूँ जो स्पार्क प्लग चेंज करके देखूँ, लेट्स सी एक बार। अगर मतलब जो फोर्थ सर्विस है मेरा, फोर्थ सर्विस में जाके टाटा पे बात करूँगा कि स्पार्क प्लग चेंज करने से ठीक होगा कि नहीं। वो लोग बोल रहा है कि एनजीए का जो स्पार्क प्लग आता है आईडीडीएम स्पार्क प्लग, वो लगाओगे तो ये चीज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब यू कैन से कि 50% जो है चीज़ कम हो जाएगा। लेकिन एक बात, अगर मतलब वो जो हीटिंग वाला बार मतलब गाड़ी का इंजन अगर थोड़ा गर्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद जो लैग या यू कैन से कि मतलब सेकेंड गियर से थर्ड गियर दे के भी गाड़ी का अगर खींच होगा तो गाड़ी ऐसे मतलब ईजिली उठ जाता है। तो दिस इज़ द थिंग। मैंने दो दिन पहले ही पूरी राइड करके आया हूँ बाइक से, तो उसका भी वीडियो वो मैं भी इससे बाद में डालूँगा, लेकिन जो है वो मैंने पहले किया था ऑलमोस्ट 24th को मैंने निकला था और 26th को वापस आया, तीन दिन का राइड था। तो उसका भी वीडियो मतलब छोटा छोटा है, एक्चुअली एक्शन कैमरा पे भी मैंने लेके गया था, एक्शन कैमरा का माउंट लिया था लेकिन मेरा जो पेट है डोडो वो काट दिया था, तो उसके लिए अग्निव का हेलमेट में ही मैंने वो किया था, लेकिन उसका जो है मैंने कैमरा एक्चुअली मतलब म्यूट था तो वॉइस कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन हाँ छोटा छोटा पार्ट है सो वो डाल दूँगा, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। सो बेसिकली द थिंग इज फास्टैग तो निकल दिया, लेकिन ये जो गम का जो चीज़ है वो अभी भी थोड़ा है, तो मैं अभी तो गाड़ी वॉश करने के लिए जा रहा हूँ, तो देखता हूँ अगर उसके उन लोगों के पास, मेरे पास अभी पेट्रोल या डीजल या केरोसिन कोई भी कुछ चीज़ नहीं है, अगर उन लोगों के पास होगा तो आई गेस वहाँ से ये चीज़ उड़ जाएगा, तो उसके बाद ही ये जो है फास्टैग मैं लगाऊंगा। सो चलो लेट्स सी, देखता हूँ क्या होता है। सो गाइज, गाड़ी का क्लीनिंग हो गया और अभी टाइम देखो 3:30 बज गए, ऑलमोस्ट 2 घंटा, मतलब एक्चुअली सीरमपुर गया था पहले, उधर नहीं हुआ, पावर ऑफ है, तो उसके लिए इधर दिल्ली रोड के साइड पे भद्रेश्वर पे एक है उधर जगह किया और गाड़ी अभी मतलब ठीक ठाक से क्लीन किया है, आई एम सेटिस्फाइड। बट जो प्राइस भी लिया 350 रुपीज़ दिया, तो ऑल्सो रीजनेबल, एंड वाटर प्रेशर जो था नॉर्मल था। सो दिस इज़ द थिंग। अभी के लिए ब्लॉग इधर ही एंड करता हूँ, और जो है फास्ट टैग का जो गम था वो भी उन लोगों ने निकल दिया अच्छे से, और आज मैं नहीं लगाऊंगा फास्ट टैग क्योंकि अभी जो है इधर डीजल लगा हुआ है, तो बाद में लगाऊंगा। तो एज ऑफ नाउ ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर कोई जानकारी चाहिए पांच या जो जो चीज़ मैंने लगाया उसके बारे में तो डू कमेंट डाउन दीजिए। Yeah, so thank you, it's for right signing off.